Hey आज हम सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे सैलरी टिप्स बताने वाला जहाँ पे सैलरी डिफर कैसे होती है सेम कंपनी सेम पोजीशंस पर दोनों को सैलरी बहुत डिफरेंट मिलती है तो ऐसा क्यों होता है या फिर किस तरह से हम उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे फर्स्ट में आपको बताने वाला हूँ फ्रेशर सैलरी फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है एक्सपीरियंस को कितनी सैलरी मिलती है उसके बाद बताऊंगा और विथ सर्टिफिकेशन क्या बेनिफिट्स होते फर्स्टली फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है इंडिया का स्टैंडर्ड रेट देखेंगे ना गाइड्स तो आठ से दस हजार को सैलरी मिलती है एक एवरेज सैलरी कही जाती है बहुत कम यानी पे ऐसे लोग हैं ना जिनको सैलरी ट्वेंटी के के अक्रॉस मिलती है यानी उनको कितना पैकेज मिल रहा है टू पॉइंट फोर एलपीए का पैकेज मिल रहा है ये भी बहुत कम जगह पे होता है और रियर केस है जहाँ पे लोगों को चार से छह लाख एलपीए का एज अ फ्रेशर्स को पैकेज मिलता है तो यहाँ पे फ्रेशर्स को इसी रेंज में सैलरी मिलती है और सैलरी डिपेंड किस तरह से होती है तो आपकी फील्ड कौन सी है फील्ड बहुत ही बड़ा मैटर करने वाली चीज है उसके बाद आपने सर्टिफिकेशंस कौन चीज पे किया है सर्टिफिकेशंस भी एक बहुत ही बड़ा मैटर करने वाली चीज है उसके बाद आपको ड्रीम या फिर किस टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाहते हो बहुत सारे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करते हैं तो ज्यादा सैलरी पे काम करते हैं तो ये चीज दो साल का एक्सपीरियंस है तो वन पॉइंट फाइव इंटू टूल थ्री लैख्स एल पी ए कम से कम दो साल बाद आपकी तीन लाख सैलरी होना बहुत जरूरी है अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और पर्टिकुलर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आपने सर्टिफिकेशन से नॉलेज लिया है तो आपकी सैलरी वहां पे हाई रहेगी अगर आपने एक्सपीरियंस विद सर्टिफिकेशन लिया है मान लीजिए आप एज एडमिन तौर पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन किया उसके साथ बेसिक्स बहुत कुछ ऐसे uh, किए तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं ना कि uh, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा तो एडमिन विद क्लाउड कंप्यूटिंग अगर मान लो आपने एडमिन विद ए किया जो कि अमेजोन सर्विसेस है या अजूर किया uh, या फिर हम गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपकी सैलरी ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं तो सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करते हैं आपकी सैलरी को ग्रो करने के लिए ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी